सो फ्रेंड्स कंटिन्यू करते हैं अपना डिस्कशन सैलिएंट फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर। ठीक है, तो अब तक हम देख चुके हैं कि इस तरह से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लेंथीएस्ट है और दूसरे देशों से बोरो किया गया है, ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी है। इसके अलावा सिंथेसिस हमारे देश में पार्लियामेंट इंडिपेंडेंस ऑफ पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी और जुडिशियल सुप्रीमेसी की। इसके अलावा हमारे अंदर हमारे देश में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होता है, हमारे यहाँ इंटीग्रेटेड एंड इंडिपेंडेंट जुडिशरी है। ठीक है, ये सारी चीज हम देख चुके हैं। इसके बाद दो चीज हम देखेंगे, दो सैलेंट फीचर्स इस वाले लेसन में। पहला है फंडामेंटल राइट्स और दूसरा है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। ये सेपरेट टॉपिक्स है अपने आप में ही, और ये सेपरेट टॉपिक्स ही बहुत बड़े बड़े एलोबरेट करके समझाने वाले टॉपिक्स हैं। अभी तो सिर्फ ओवरव्यू दे दे रहा हूं। तो फंडामेंटल राइट्स हमने कहां से बोरो किया है, कहां से बोरो किया, यूएसए से। ठीक है, डीपीएसपी हमने कहां से लिया, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, आयरलैंड से, यानी कि आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से। ठीक है, तो फंडामेंटल राइट्स क्या है कि हम लोगों के राइट्स। ठीक, तो इसके अंदर भी हमें 6 पार्ट दे रखे हैं, राइट टू फ्रीडम, सबसे पहले राइट टू इक्वालिटी, फिर राइट टू फ्रीडम, फिर राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, फिर राइट अगेंस्ट राइट फॉर कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज आर्टिकल 32। ठीक है, तो ये अपने आपके अंदर बहुत बड़े राइट्स हैं, इनको समझाने में ही मतलब लगभग 80-100 लेसन्स बनेंगे फंडामेंटल राइट्स के ऊपर ही। ठीक है, तो फंडामेंटल राइट्स हम लोगों के राइट्स जो है वो हमें दे रखा है, उसमें बता रखा है कि अगर हमारे राइट्स की हानि होती है तो हम कैसे सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं डायरेक्ट। ठीक, ये फंडामेंटल राइट्स वाला कंसेप्ट हो गया। फिर कंसेप्ट ऑफ वेलफेयर स्टेट जो है, जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में बताया गया है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, किस चीज को ध्यान में रखना है स्टेट को लॉ बनाने से पहले, तो उसके लिए डीपीएसपी है। तो वहां 3 तरह के डीपीएसपी दे रखे हैं, गांधीयन, सोशलिस्ट, लिबरल, इंटेलेक्चुअल। ठीक है, तो ये सारी चीज हमारे जो है इस वाले कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये एक सेपरेट प्रावधान दे रखे हैं। फिर इसके अलावा जैसे मिनर्मा वेल केस का जो जजमेंट था उसमें बताया गया था कि फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी इन दोनों के बीच में बैलेंस होना बहुत ही ज्यादा आवश्यक है। ठीक है, तो फंडामेंटल राइट्स जो होते हैं वो एक इंडिविजुअल के होते हैं, और डीपीएसपी जो होता है एक सोसाइटी के लिए जो हो, पूरी सोसाइटी एज अ होल को लेके चलता है। तो यानी सोशलिस्ट अप्रोच जो है वो कहां से एस्टेब्लिश होती है, डीपीएसपी से। काफी एलोबरेट होगा इस टॉपिक को, काफी एनालिसिस वाला टॉपिक है, समझेंगे आगे इसको। ठीक, तो फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी दोनों ही हमारे जो है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में है, एक सैलिएंट फीचर्स हैं ये। ठीक, जो हमने अलग अलग जगह से अलग अलग जगह से अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बोरो किए हैं। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट जो सैलिएंट फीचर्स हैं वो नेक्स्ट लेसन में देखते हैं।